नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 की बॉलीवुड गपचुप विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं तड़के वाली कुछ बॉलीवुड की खास खबरें। भूलभुलैया 3 के इंतजार की घड़ी जल्दी खत्म होने वाली है। कार्तिक आर्या स्टार फिल्म में विद्या बालन और माधुरी दीक्षित की जोड़ी दिखाई देगी, जिसने दर्शकों के बीच एक सस्पेंस बना दिया है। फिल्म का गाना अम्मी चे तोमर रिलीज हो गया है। इस गाने में माधुरी और विद्या के बीच जंग दिखाई दी। नेटफ्लिक्स की सीरीज फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स में सोहेल खान की एक्स वाइफ सीमा सचदेह आई थी। सीमा ने बताया कि वे तलाक के बाद आगे बढ़ने का फैसला ले चुके हैं। वहीं एक इंटरव्यू में उन्होंने खान परिवार पर बात करते हुए उनकी दरिया दिली पर बात की और उन्होंने एक मजबूत चट्टान की तरह बताया। आपको बता दें कि सीमा सलमान के छोटे भाई सोहेल की एक्स वाइफ है। पुष्पा 2 द रूल का बच पिछले एक साल से अपने चरण पर है। दिसंबर में फिल्म रिलीज होने वाली है और अभी से ही मेकर्स ने नोट छापना शुरू कर दिया है। ऐसी खबरें थी कि मेकर्स ने पुष्पा 2 की प्री रिलीज में ही 1000 करोड़ से करीब बिजनेस कर लिया है। अब प्रोड्यूसर ने इन खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। सिंघम अगेन के पहले गाने का क्रेज अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि अब मेकर्स ने फिल्म के टाइटल ट्रैक को लेकर भी अपडेट सामने आ गया है। रोहित शेट्टी के सिंघम अगेन का टाइटल ट्रैक भूलभुलैया 3 से भी 2 कदम आगे है। टाइटल ट्रैक का टीजर जारी हो गया है। गाना कब रिलीज होगा इसकी तारीख मेकर्स ने अनाउंस कर दी है। टीवी एक्ट्रेस हीना खान स्टेज 4 के ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही है। हालांकि इतनी खराब तबीयत और कीमोथेरेपी सेशंस के बावजूद एक्टर लगातार अपने काम भी पूरे कर रही है। बीच में उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए जहां वह दुल्हन के लिबास में रैंप वॉक भी करती नजर आई थी। उनका यह वीडियो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसी बीच 2 पति की स्क्रीनिंग के लिए एक्टर्स अपने करीबी दोस्त शाहिर शेख को स्पॉट करने पहुंची। बॉलीवुड खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।